हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वरुण सिंगला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टर कमांड के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीडीएल के अंदर फर्स्ट कमांड जो है क्रिएट के बारे में, जिसमें हमने क्रिएट टेबल विद इंप्लीमेंटेशन किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड कमांड या सेकेंड डीडीएल कमांड अल्टर, और इसके बाद हम इसकी इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे ओरेकल के अंदर। सबसे पहले ऑल्टर जो है वो क्या क्या कर सकता है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्टर कमांड। तो मेजर जो यूज है ऑल्टर कमांड के यही है, करना क्या ऑल्टर कमांड ने, स्कीमा के अंदर अगर हमें कुछ भी चेंज करना है। जैसा कि मैं बार बार इस स्कीमा वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, कंसंट्रेट कर रहा हूं, बिकॉज स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जहां पे मुझे डेटा डालना है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। और हम स्ट्रक्चर क्या लेके चलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में स्ट्रक्चर क्या होती है, टेबल, जिसको हम रिलेशन भी बोल देते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा के अंदर हमारे पास हमेशा हम टेबल ही क्रिएट करते हैं टू स्टोर द डेटा। लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ये उसकी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब इसमें दो कॉलम है, आईडी और नेम। आईडी लेट्स से इंटीजर है और नेम जो है वो वेरकर है। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्रिएटेड है। क्योंकि अगर आपके पास नई चीज बनानी है तो नई चीज बनाने के लिए तो हमारे पास क्रिएट कमांड है ही। तो क्रिएट कमांड से आप नई चीज जब बना रहे हो तो अपने ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज डाल दो। लेकिन ऑल्टर का मतलब है जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो वहां पे मैं यूज करता हूं किसको, ऑल्टर कमांड को। तो यहां पे स्टूडेंट टेबल आप मान के चलो ऑलरेडी बना हुआ है, आईडी इंट टाइप की हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, नेम जो है वो वेरकर डेटा टाइप का ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमारी रिक्वायरमेंट है एक नया कॉलम ऐड करना है। लेट्स से मुझे यहां पे एक नया कॉलम ऐड करना है, सिटी या एड्रेस कोई भी ले लो आप, लेट्स से एड्रेस ऐड करना है मुझे। तो एड्रेस कॉलम को ऐड करने के लिए यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर में चेंज करना है हम किसको यूज करते हैं, ऑल्टर कमांड को। तो जल्दी हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, लेट्स से टेबल नेम है स्टूडेंट, एड, यहां पे कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं हम, एड, एड कॉलम का नेम। लेट्स से कॉलम का नेम क्या है हमारे पास, एड्रेस। और एड्रेस जो है अगर आप सिंपल ये चलाओगे तो ये एरर देगा। रीजन, क्योंकि एड्रेस कंपाइलर को कैसे पता, अभी हमारे पास कंप्यूटर आर्टिफिशियल इतने इंटेलिजेंस नहीं है, अभी उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो अपने आप नहीं कह सकते कि एड्रेस जो है वो तो वेरकर ही होगा। नहीं, हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा दैट वेरकर, साइज भी कुछ लेट्स से 30 साइज जो है यहां पे आप दे सकते हो। ऑल्दो ये चीज हम इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे, बट एक आपको ओवरव्यू पता लग जाएगा कि ऑल्टर कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐड कॉलम या कॉलम्स, मतलब अगर आपको दो या दो से ज्यादा कॉलम को भी ऐड करना है तो एक ही कमांड के थ्रू आप, ऑल्टर कमांड के थ्रू आप सिंपली कर सकते हो, ब्रैकेट डाल के यहां पे मल्टीपल कॉलम्स को आप लिख सकते हो। देन रिमूव अ कॉलम, लेट्स से हमारे पास फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट आती है कि यार ये कॉलम मेरे को, ये पर्टिकुलर कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरे टेबल को डिलीट कर दोगे? नहीं, मतलब आपके लेट्स से पूरा बड़ा डेटाबेस है जिसमें 30-40 कॉलम्स है और लाखों रोज है, लाखों टपल्स है, तो अगर आपने गलती से भी टेबल डिलीट कर दिया तो मतलब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होता है वो क्या होता है, डेटा। एम्प्लॉयज से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट हर एक कंपनी के लिए आज के टाइम पे क्या है, डेटा। तो डेटा जो है वो ऐसे नहीं कि कोई भी डिलीट कर देगा, कोई भी ऐड कर देगा, नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं। तो अगर हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं तो अगर हमारे पास आता है कि हमें पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करना है, लेट्स से यहां पे कॉलम है एड्रेस अभी हमने जो ऐड किया, या कोई भी एक और कॉलम ले लो, लेट्स से एज, कल को मुझे आ रहा है कि एज को रिमूव करो, तो एज को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, मतलब कॉलम को रिमूव करने के लिए भी ऑल्टर कमांड को यूज करते हैं। तो ऐड करना है, रिमूव करना है, मॉडिफाई द डेटा टाइप। लेट्स से आज के टाइम पे मेरे को लग रहा है कि मेरी आईडी जो है वो इंट से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत बढ़ गए, तो मेरे नंबर की बजाय मैं क्या चाहता हूं कि इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर, इस तरीके से। तो इसको करने के लिए मतलब आपको वेरकर बनाना पड़ेगा। तो वेरकर मतलब अभी तो आपने इसको इंट बनाया हुआ है, तो वेरकर मतलब आपको मॉडिफाई करना क्या, डेटा टाइप। और डेटा टाइप को मॉडिफाई करना हो तो अगेन ऑल्टर कमांड को हम यूज करते हैं। इवन डेटा टाइप की लेंथ भी, लेट्स से अभी आपने नेम को साइज दिया हुआ 20, वेरकर 20, लेकिन कल को आपको लग रहा है कि आपके नेम्स जो है वो कंपनी के अंदर जो इंप्लॉइज है उनके नेम्स काफी बड़े हैं, तो आप अगेन उस लेंथ को भी घटा बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग द
alter command. Then add or remove the constraint. मतलब primary key है, foreign key है, not null, check, default. ये सारे constraints को अगर आपको add करना है after the table is created, तो हम किससे करते हैं? Alter command से remove भी. और rename column. आपको column का name. Let's say अभी आपको लग रहा है कि ID ठीक है. कल को आपको लगे कि नहीं यार आईडी नहीं ठीक, या फिर रोल नंबर होना चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. तो इस टाइप के नेम्स अगर आपको चेंज करने हो, या इवन आपको पूरे स्टूडेंट टेबल, मतलब टेबल का भी नेम चेंज करना हो. लेट्स से अभी नेम है स्टूडेंट, आपको कल को करना है स्टूडेंट डिटेल. मतलब इस टाइप के चेंजेस करने के लिए, रीनेमिंग करने के लिए अगेन ऑल्टर कमांड को यूज करते हैं. तो ये आपके मल्टीपल वेज है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कमांड के थ्रू ये सारे के सारे काम आप परफॉर्म कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं इंप्लीमेंटेशन से. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे मैंने क्रिएट टेबल की कमांड लिखी हुई है और हम यहां पे क्रिएट टेबल कर रहे हैं एक एम्प्लॉई, और जिसमें आईडी और नेम जो है टू कॉलम्स में यहां पे इसमें डाले हुए हैं. तो सबसे पहले इसको रन करते हैं और यहां पे हमने एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया एम्प्लॉई, क्योंकि हमने जब देखा था कि alter जो कमांड है, alter कमांड हम यूज करते हैं टेबल को क्रिएट करने के बाद. मतलब टेबल ऑलरेडी है, अब उसमें हमने अगर कुछ चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहला चेंज हमने क्या देखा, alter टेबल टेबल नेम, और सबसे पहले लेट से हम डालना चाहते हैं एक न्यू कॉलम. लेट से alter टेबल टेबल नेम employee, एड एक नया कॉलम डालते हैं एड्रेस के नाम से. तो एड्रेस और साथ में आपको डेटा टाइप देना जो है वो जरूरी है. तो डेटा टाइप हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेरकैर, और हम इसको सिलेक्ट करके रन करते हैं. तो देखो टेबल जो है वो ऑल्टर्ड हो गया, मतलब इस टेबल में ऑलरेडी एक कॉलम जो है वो एड्रेस आ चुका है. तो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं, डिस्क्राइब एम्प्लॉई करते हैं, तो यहाँ पे आपको DESC कमांड से आपको टेबल का पूरा स्कीमा दिख जाता है. तो यहाँ पे देखो एड्रेस जो है अब इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मतलब आईडी नेम तो पहले ही थे, अब हमने एड्रेस भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि टेबल में अगर न्यू कॉलम हमने इंसर्ट करना है तो इस तरीके से हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. अब सेकेंड चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें ड्रॉप कर सकते हैं. मतलब लेट्स से हमें ड्रॉप करना है कॉलम, एड्रेस ही हम ड्रॉप कर देते हैं जो हमने अभी अभी इंसर्ट किया. तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम. बस ड्रॉप के साथ आपको याद रखना है कि कॉलम वर्ड जो है वो जरूर लिखना है, और साथ में कॉलम का नेम, जैसे कि एड्रेस जो है हम ड्रॉप करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी पता है कंपाइलर को कि इसका डेटा टाइप वेरकर होगा या जो भी इसमें हमने दिया हुआ है. क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप के टाइम पे आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो देखो क्या लिखा है, टेबल ड्रॉप. ये एक्चुअली यहाँ पे सॉफ्टवेयर का फ्लो है, टेबल ड्रॉप नहीं हुआ. आप अगर डिस्क्राइब टेबल नेम करते हो, रन करते हो, तो देखो ऑलरेडी आईडी और नेम के साथ एम्प्लॉई टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो एड्रेस यहाँ पे पहले था वो एड्रेस अब ड्रॉप हो गया. मतलब हमने एक कॉलम जो है वो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. तो आप मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स को ड्रॉप भी कर सकते हो. थर्ड चीज हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम लेट से एम्प्लॉई, और हम मॉडिफाई करना चाहते हैं डेटा टाइप. लेट से आईडी जो है वो आईडी का यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, नंबर. तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ लेट से वेरकैर में. तो वेरकैर में जब हम चेंज करते हैं तो हमने वेरकैर और साथ में लेंथ जो है वो देनी जरूरी है. तो लेंथ दे के हमने इसको रन किया, तो देखो क्या लिखा है, टेबल ऑल्टर. तो हम चेक भी कर लेते हैं, डिस्क्राइब हमने दोबारा सेलेक्ट की, रन किया, तो देखो आईडी और नेम जो है वो आ रहा है, और आईडी अब क्या आ गया, वेरकैर 2. और एक्ल बाय डिफॉल्ट वेरकैर 2 के नाम से काम करता है, मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है वेरकैर 2 है. तो Oracle के अकॉर्डिंग अगर आप वेरकैर भी देते हो सिंपल, तो ये वेरकैर 2 ही इसको कंसीडर करेगा. तो पहले ये नंबर था, इंटीजर था, अब हमने इसको वेरकैर में चेंज कर दिया. इवन आप इसकी लेंथ, जैसे कि अभी लेंथ हमने क्या दी इसकी 10, कल को अगर आप चेंज करना चाहते हो, कभी भी इसमें स्कीमा में चेंज करना चाहते हो और इसकी लेंथ लेट से 30 करनी है, तो बस इसी कमांड में दोबारा लिख दो मॉडिफाई कॉलम का नेम वेरकैर जो भी इसका डेटा टाइप है और 30. तो देखो अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करके हम रन करते हैं, तो देखो क्या आ गया, अब यहाँ पे लेंथ जो है वो 30 मेंशन हो गई है. तो यानी इस तरीके से हम इसमें एड ड्रॉप मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम का डेटा टाइप और साथ में लेंथ. नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, रीनेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम एम्प्लॉई, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रीनेम किसको, कॉलम को. लेट्स से रीनेम हम यहाँ पे कर देते हैं, रीनेम कॉलम, कॉलम वर्ड यहाँ पे भी लिखना जरूरी है. तो रीनेम कॉलम, लेट्स से आईडी को हम चेंज करते थे आईडी टू
लेट्स से रोल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ भी आप नेम जो है वो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। तो आईडी जो है वो ओल्ड नेम है और रोल नंबर जो है वो न्यू नेम है, तो इसको सिलेक्ट करो और इसको भी रन करते हैं। तो देखो क्या लिखा आ गया, टेबल ऑल्टर्ड, तो हम चेक भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो डिस्क्राइब टेबल नेम, और जैसे ही रन किया है तो देखो पहले आईडी आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एड, ड्रॉप, मॉडिफाई और साथ साथ रीनेम कर सकते हो। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉई, रीनेम ही हम दोबारा कर देते हैं, रीनेम टू लेट से ईएमपी, कोई भी छोटा नेम जो है हम यहाँ पे दे देते हैं। तो जैसे ही इसको रन किया तो ये दिखा रहा है कि नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय सम एग्जिस्टिंग, इसका मतलब क्या है कि इस नाम का टेबल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको कोई भी एक नया नाम दे दो। लेट से हमने एम्प्लॉई 11 कुछ भी नेम जो है हम यहाँ पे दे देते हैं। तो देखो टेबल क्या हो गया, ऑल्टर्ड, मतलब किया क्या हमने, ऑल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम टू ईएमपी, मतलब पहले हमने इस कमांड में क्या किया था, कॉलम का नेम जो है वो चेंज किया था, अब हमने टेबल का ही नेम चेंज कर दिया, एम्प्लॉई रीनेम टू न्यू नेम, मतलब न्यू नेम ऑफ टेबल। तो अब देखो हमने क्या किया, डिस्क्राइब DESC एम्प्लॉई, तो जैसे ही हमने रन किया तो ये क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब्ड कुड नॉट बी फाउंड, मतलब एम्प्लॉई के नाम से कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और ऑब्वियसली बात है हमने जब उसका नेम ही चेंज कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे हमने उसका न्यू नेम जो डाला था क्या डाला था, EMP11, तो यही EMP11 मैं यहाँ पे देता हूँ। और अब रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, रोल नंबर वही वेयर का 230 जो हमने पहले इसमें चेंजेस किए थे, तो वो सारे चेंजेस जो है वो एज इट इज एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन टेबल का नेम जो है वो क्या चेंज कर दिया हमने, एम्प्लॉई 11 के नाम से। तो ये मेजर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर के थ्रू एड, ड्रॉप, मॉडिफाई, रीनेम कॉलम या रीनेम टेबल। इसके अलावा हम जो एक और चीज कर सकते हैं वो है कंस्ट्रेंट्स, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, लेट से मुझे अगर प्राइमरी की देनी है तो एड प्राइमरी की, और लेट से मेरे को आईडी को, आईडी तो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो रोल नंबर को लेट से मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, तो रोल नंबर, कॉलम का नेम ध्यान से डालना है आपको, तो कॉलम का नेम जैसे ही हमने यहां पे डाला, एड प्राइमरी की, और जैसे ही हमने रन किया तो ये देखो ये दिखा रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमने यहाँ पे एम्प्लॉई का नेम जो है वो EMP11 में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये एक्चुअल में इस नाम से अब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो देखो टेबल जो है वो ऑल्टर्ड हो गया, अब मतलब यहाँ पे प्राइमरी की जो है ऐड होगी। प्राइमरी की के अलावा हम इसमें फॉरेन की, नॉट नल, ये सारे कंस्ट्रेंट जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो नलेबल जो है यहाँ पे, ये तो टिक है, मतलब नेम के अंदर तो नल वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन रोल नंबर के अंदर नल वैल्यूज नहीं आ सकती क्योंकि हमने प्राइमरी की बना दिया। लेकिन ये प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, ये सारे कंस्ट्रेंट हम जब कंस्ट्रेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे वहां पे हम इसको पूरी डिटेल में देखेंगे। अभी आपको ऑल्टर टेबल में बस यही मेन चीज याद रखनी है कि हम टेबल के अंदर कुछ भी एड, ड्रॉप, मॉडिफाई, रीनेम, ये सारे मेजर काम जो है वो हम कर सकते हैं ऑल्टर कमांड के थ्रू। तो ये एक्चुअल में फुल कॉन्सेप्ट है ऑल्टर का। थैंक यू।